हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब स्टडी हब। मेरे यूट्यूब स्टडी हब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने 1000+ जीके जीएस क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम एनटीपीसी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पाँच वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी का वीडियो जो होगा वो 6 नंबर का होगा, जिसमें हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। केवल उसके क्वेश्चंस को ही नहीं, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए इसका नाम जो है पोस्टमार्टम वीडियो इसका नाम है। पोस्टमार्टम का मतलब होगा कि जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, उससे रिलेटेड जो 2019 में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे हम उस क्वेश्चंस को देखेंगे कि इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आपके लिए, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये आपका 4A में है। ठीक है, तो 4A में, और देखिए इसका 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है पूरा। तो अब और भी भाग के बारे में देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट भाग हमारे लिए जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिससे। तो भाग एक जो होता है आपका, 1 से 4 तक का होता है, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है उसमें। उसके बाद भाग 2 में आपका 5 से 11 आर्टिकल तक आते हैं, जिसमें नागरिकता के बारे में दिया गया है संविधान में। फिर भाग 3 में आपका 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। भाग 4 में 36 से 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 के क में 51 क, जिसको बोलते हैं हम, मौलिक कर्तव्य को दिया गया है। और भाग 5 में 52 से लेकर के 151 तक संघ राज्य, संघ क्षेत्र, ठीक है, संघ के बारे में। और भाग 6 में राज्य के बारे में। और उसी तरह से आपका भाग 15 है, भाग 15 जो है निर्वाचन का, 324 से लेकर के 329 तक। तो ये भाग 15 इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी 2019 में आम चुनाव होने वाले हैं, तो निर्वाचन आयोग का इसमें मुख्य भूमिका होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सुनील अरोड़ा हैं अभी चीफ इलेक्शन कमीशन, और इसका जो उल्लेख है ये 324 में दिया हुआ है। तो 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन के बारे में दिया गया है। और भाग 20 में आपका आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट के बारे में है, संशोधन के बारे में। और भाग 18 जो है आपका आपात के बारे में है, और 352 से लेकर के 360 तक। और भाग 17 जो है राजभाषा के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो थे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से आएंगे आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो ये आपका शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने के लिए आपका आयु जो होना चाहिए मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपका 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, या एमपी बनना है, एमएलए बनना है तो आपको 25 वर्ष होना चाहिए। और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और आपको अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनीय ढांचे के सदस्य किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि नीति आयोग जो है 2015 में 1 जनवरी से स्टार्ट किया गया है, मतलब इसका नाम चेंज किया गया है। इससे पहले योजना आयोग के नाम से 1950 में ये गठित हुआ था, और इसके चेयरमैन जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी के जो चेयरमैन है वो मोदी है, नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन जो है आपके राजीव कुमार हैं, और सीईओ अगर आपसे पूछा जाता है तो अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में किया गया था? तो ये सन था आपका 1956, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये पहला जो राज्य था आपका, ये आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो सबसे अंतिम में कहीं से भी आपको, पहले तो आपको सिविल कोर्ट में जाने होते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में, और उससे अगर
फाइनल अगर आपका डिसीजन, आपको आपत्ति है किसी भी डिसीजन पे, तो फाइनली आप सबसे लास्ट में आपको उच्चतम न्यायालय में अपील करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो उस समय जो आपके सदस्य थे वो 313 थे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो ये आपका आयरलैंड से किया गया है, आयरलैंड और स्पेन दिया हुआ है ऑप्शन में। तो आयरलैंड हमने पढ़ा है हमेशा कि आयरलैंड से, तो आयरलैंड और स्पेन से किया गया था ये। तो और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से जो सोर्स, जो संविधान का जो सोर्स है वो कहाँ कहाँ से और क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था जो है आपका यूएसए से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व मतलब उसमें क्या दिया हुआ है, आयरलैंड, मतलब आयरलैंड से लिया गया है। ये आय का समान वितरण के लिए ये नीति निदेशक तत्वों को लागू किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जर्मनी, जर्मनी से आपका आपातकाल का मतलब प्रावधान लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य जो है आपका रसिया से लिया गया है, और संसदीय प्रणाली जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है, और आपका संघीय प्रणाली जो है, संघीय हमारा एक मतलब संघीय प्रणाली जो है आपका भारत जो है वो कनाडा से थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, और संशोधन का जो प्रक्रिया है वो हमने ये अफ्रीका से लिया है। ठीक है, और जापान से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, समानता का निम्न में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो यह है आपका आर्थिक समानता। आर्थिक समानता जो है उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो यह एक राज्य संघ घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्न में से कौन सा है? तो यह है आपका बी ऑप्शन, कार्यपालिका और विधानमंडल के संयोजन। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दिल्ली में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? तो वो है आपका 70। और कुल मिलाकर के दो जगह, दो यूनियन टेरिटरी जो है वहाँ पे आपका विधानसभा का चुनाव होता है। मतलब यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे, तो जिसमें पहला है आपका दिल्ली और दूसरा आपका पुडुचेरी। ठीक है, जहाँ पे स्टेट असेंबली है। ठीक है, तो पुडुचेरी में आपका पूरे 30 सीटें हैं और दिल्ली में आपका 70 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 है कि प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ से ली गई है? तो संविधान में संशोधन करने की मतलब ये पद्धति कहाँ है? तो ये है आपका कहाँ से ली गई है, नहीं कहाँ है ये, तो ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, अगर इंडिया का संविधान का जो संविधान संशोधन है वो प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो अफ्रीका से लिया गया। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? तो ये गुण जो है आपका ए ऑप्शन में है दिया हुआ है, कार्यपालिका की नियत कार्य अवधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। तो ये अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है, अध्यक्षात्मक सरकार का ये एक गुण है कि कार्यपालिका की नियति कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो 1 वर्ष का होता है, ये याद रखिएगा कि कहीं पूछा जा सकता है इस बार भी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है आपका 25 वर्ष। 25 वर्ष कब? जब आपको संसद का चुनाव आप जीते हुए हैं तब। अगर आपको राष्ट्रपति और सॉरी राज्यसभा के सदस्य
बन करके, और आपको अगर बनना है प्रधानमंत्री तो आपको मिनिमम एज जो होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये अपेक्षित न्यूनतम आयु तो ये आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, छाया मंत्रिमंडल मतलब शैडो कैबिनेट किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो ये है आपका आपका ब्रिटेन का, ठीक है। तो ये शैडो कैबिनेट क्या होता है, सॉरी बी, शैडो कैबिनेट क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई रक्षा मंत्रालय है तो रक्षा मंत्री होंगे उसमें, उसी तरह से एक अपोजिशन वाले में भी एक रक्षा मंत्रालय होता है, उसमें भी एक नेता मतलब उसके भी मंत्री होते हैं। वो क्या करता है कि वो क्रॉस चेक करता है कोई भी काम जो भी जो अभी सत्ता में है उसके जो मंत्री होंगे, अगर मान लेता है रक्षा मंत्री जो भी है तो जैसे सीतारमन है, तो वो अगर कोई काम करती है या कोई डील करती है तो उसका क्रॉस चेक आपको शैडो कैबिनेट मतलब अपोजिशन का जो रक्षा मंत्री होगा वो आप उसका चेक क्रॉस चेक करेगा, ठीक है। तो इसको इसी को हम शैडो कैबिनेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो ये आपका देता है आपका संसद। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, संसद के संयुक्त सत्रों को कौन संबोधित करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो देखिए अवशिष्ट शक्तियां जो है आपका केवल संसद संघ संसद को सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उसके तहत हुआ था, जो कि 1774 में इसकी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, और पहली जज जो थी इम्पे थी, एलिजा इम्पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति क्या होता है? तो ये एक विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, इसका आंसर ए होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 24 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु नहीं होगा, तमिलनाडु के जगह पे आपका तेलंगाना होगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे तमिलनाडु के जगह पे तेलंगाना होना चाहिए था, तेलंगाना, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो यहाँ पे अगर तेलंगाना हो जाएगा तो आंसर जो होगा कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है। तो ये उपयुक्त सभी या ये सभी में हो है विधान परिषद। तो अगर आपको याद रखना होगा कि विधान परिषद कहाँ कहाँ पे है, तो इसको याद रखने के लिए आपको सिंपल एक याद रखने का टीबी जुकाम JUKAM, टीबी जुकाम। जैसे क्या होता है कि मतलब विधान परिषद में बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता है क्योंकि वहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, तो इसलिए उन्हें टीबी जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो टीबी जुकाम से हम याद रखेंगे कि यहाँ यहाँ पे विधान परिषद है। तो टी से क्या होता है कि आपका तेलंगाना, टी से तेलंगाना, बी से बिहार, जे से जम्मू कश्मीर, उस यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। तो तेलंगाना, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, ये सब जगह पे आपका विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो ये निकाय जो है आपका वित्त आयोग है। वित्त आयोग के बारे में आपको आर्टिकल 280 में मिल जाएगा। और अभी अगर आपसे पूछे कि अभी अभी के वित्त आयोग जो चल रहा है वो कौन सा है, तो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है अभी, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके एनके सिंह हैं। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर है, 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय
नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो ये आपका 37 में है, ठीक है, आर्टिकल 37। और देख लेते हैं इसका आर्टिकल के बारे में, जैसे कि 31 में जो है आपका 31 में दिया हुआ था, जैसे 12 से लेकर के 35 तक आपका फंडामेंटल राइट है, तो ये फंडामेंटल राइट ही था पहले, 31 राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हटा करके उसमें अमेंडमेंट करके उसको एक लीगल राइट ही कर रख दिया गया 301 में, 300 के ए में, ठीक है। और जहाँ तक बात है 38 का, तो 38 जो है आपका स्टेट की जिम्मेदारी है कि वह एक वेलफेयर स्टेट बनाए, बनाने की जिम्मेदारी है, तो ये आर्टिकल आपका 38 में दिया हुआ है। और 39 में तो बहुत सारे दिए हुए हैं, तो ए बी सी करके, तो इसका जो मेन उसका होगा अनुच्छेद, वो इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क दिया हुआ है इसमें 39 में। तो अगला क्वेश्चन आपका 27 है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची का अवधारणा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इस पहले भी डिस्कस हो चुका है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को दिया गया, तो 4A में दिया गया है, 51 क में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषाई आधार पे पहला भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था, तो वो आंध्र प्रदेश बनाया गया था 1956 में। हालांकि 1953 में ही आंध्र प्रदेश स्टेट का गठन कर दिया गया था 1 अक्टूबर 1953 में, लेकिन 1956 में इसे तेलुगु मतलब भाषा के आधार पे इसको आंध्र प्रदेश एक राज्य बना दिया गया, ठीक है। इससे पहले आंध्र प्रदेश स्टेट हुआ कर मतलब एक स्टेट आंध्र स्टेट करके इसका गठन किया गया था 1953 में 1 अक्टूबर को। उसके बाद 1956 में इसको तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए ये अलग कर दी, नाम चेंज करके उसका आंध्र प्रदेश कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्य कब संविष्ट किए गए। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य जो है आपका 1976 में 42nd अमेंडमेंट में किया गया, ठीक है। फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के बारे में जान लेते हैं कि 42nd अमेंडमेंट को हम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जानते हैं। 31 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, तो एक लीगल राइट है, तो ये विधिक अधिकार है। 32 है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार जो है के अंतर्गत क्या प्राप्त है। तो देखिए विवेकाधिकार के अंतर्गत जो है आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति आता है, ठीक है। बाकी ये सब जो है जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्तीय आपातकाल घोषित करना या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ये सब प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन पे। बाकी विवेकपूर्ण इनका अधिकार जो है आपका प्रधानमंत्री नियुक्त करना है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, 33 नंबर क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो ये इम्पीचमेंट लगता है इन पे महाभियोग, तो उस महाभियोग लगाने के लिए कुल सदस्य का, पूरे कुल सदस्य का 2/3 कम से कम मतलब सदस्य का समर्थन मिलना चाहिए। तो ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 भाग का मिलना मतलब 7 सदस्य का मिलना चाहिए उसको, तभी जा करके ये राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया मतलब चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 34 है, 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का उप राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बना है, ठीक है। तो इसमें देखिए स्वामी मतलब एस राधा कृष्णन जो है, एस राधा कृष्णन राष्ट्रपति भी रह चुके हैं पहले, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और बाद में राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। और आपका जो इसके बारे में नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं वो निर्विरोध, नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, प्रधानमंत्री के मतलब राष्ट्रपति के तौर पे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में है कि सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति यहीं रहे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा मतलब कौन से राष्ट्रपति ने कार्यकाल
मतलब जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था तो वो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो वीटो पावर का यूज़ किए थे। और के आर नारायण के बारे में जान लेते हैं कि के आर नारायण जो है प्रथम दलित प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और एम हयातुल्लाह जो थे सीजीआई भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे, और कुछ समय के लिए ये राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किए थे। अगला क्वेश्चन आपका 35 है, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है, तो ये राष्ट्रपति भेज सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट से किसी भी बिल पे या किसी भी मतलब लॉ पे, ठीक है, या किसी भी काम पे सलाह ले सकता है, तो ये 143 आर्टिकल में दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, ठीक है, तो ये 12+2 किया जाता है, 12+2, 12 किया जाता है आपका राज्यसभा के लिए और 2 किया जाता है आपका एंग्लो इंडियन लोकसभा के लिए। तो अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब इसके संसद अगर दे तो संसद में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है, तो 14 कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका 14। अगर आपसे पूछे कि वो लोकसभा में तो 12, और सॉरी राज्यसभा में अगर पूछे तो 12 और लोकसभा में पूछे तो 2। अगला क्वेश्चन 37 है, भारत में कौन सी प्रणाली है, तो भारत में जो है आपका संसदीय प्रणाली है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होता है तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 39 है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के कार्य रूप में कार्य किया था, तो एम हयातुल्लाह थे, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश बनाया गया था 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, जो कि 1956 में लागू किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन सा करता है, तो ये निर्वाचन आयोग ही करता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो कहीं भी नहीं हुआ है, ये संविधान में कहीं संघीय नाम का चर्चा नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद निकट है किसके, तो ये कनाडा के निकट है। 45 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है, तो वो जाति व्यवस्था जाती है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय का कानून बनाने का अधिकार देता है, तो ये आपका डी ऑप्शन 249 देता है। अगला क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है, तो देखिए जनगणना केंद्रीय सूची में है, आपका बैंकिंग भी केंद्रीय सूची में है, और विदेशी ऋण भी आपका केंद्रीय सूची में है, लेकिन राज्य सूची में आपका मजदूर संगठन है, तो केंद्र सूची में कौन नहीं है, तो मजदूर संगठन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय के मुकदमा कर सकता है, तो ये 32 में दिया गया है, ये संविधान का उपचार बोलते हैं, ठीक है,
इसे ही मतलब 32 को ही भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसके मतलब रचयिता हैं संविधान के, वो इसी को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो देखिए, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सभी के लिए है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह भी सभी के लिए है, समानता का अधिकार सभी के लिए है, लेकिन अभिव्यक्ति का अधिकार जो है ये केवल भारतीयों को मिला है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, आपका समता का अधिकार है, शोषण के प्रति अधिकार है, शोषण के प्रति आप मतलब उस पर किसी को रोक सकते हैं, ये सब अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आपका हड़ताल का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब कुछ फंडामेंटल राइट के बारे में जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है आपका टोटल पहले 7 थे, अब 6 रह गए हैं। ठीक है, सातवां जो था आपका 31 में था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा करके एक लीगल राइट कर दिया गया है, उसको आर्टिकल 301 मतलब 300A में डाल दिया गया है, और 12 से लेकर के 35 तक आपका फंडामेंटल राइट होता है, तो जिसमें राइट टू इक्वलिटी जो है 14 से 18 में है, फ्रीडम जो है फ्रीडम राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में है, और आर्टिकल 23 से 24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको 25 से 28 में, और 29 और 30 में आपका शिक्षा और संस्कृति मतलब शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, और लास्ट आपका छठा जो होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब आपको आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक है, 51 है आपका, 51 नंबर क्वेश्चन है, राज्य नीति के निम्न निदेशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ये आपका ए ऑप्शन है, ग्राम पंचायतों का आयोजन जो कि आर्टिकल 40 में दिया गया है, ये है। ठीक है, ये गांधीवादी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन 52 है, 52 नंबर क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधि तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो ये एस राधाकृष्णन थे। और अगर आपसे अगला 2019 में जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें दो दो ऑप्शन होंगे, एस राधाकृष्णन भी होंगे और हामिद अंसारी भी होंगे, और नीचे चौथा ऑप्शन दिया होगा ए और बी दोनों, तो ए और बी आप मारेंगे उसको, या केवल एस राधाकृष्णन की जगह पे मतलब हामिद अंसारी का भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 2 अवधि कार्य मतलब पूर्ण अवधि तक काम किए हैं, वो एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो वो भैरव सिंह शेखावत थे। अगला क्वेश्चन आपका 54 है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो ये संसद के सत्र का अंत से मतलब संबंधित है। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? तो ये आपका लोकसभा, इसको निम्न सदन भी बोलते हैं लोकसभा को। अगला क्वेश्चन 56 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए, ये मतलब राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन किसके मतलब ये जो है ये बोलता है संसद के 2 सदनों की सिफारिश पे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि अभी का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रंजन गोगोई हैं, और ये मतलब मैक्सिमम एज जो होना चाहिए मतलब कब तक ये काम कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, तो ये 65 ईयर तक काम कर सकते हैं, तो इनका मैक्सिमम एज जो होता है 65 ईयर्स तक होता है, और ये आर्टिकल 124 में दिया गया है इनके अपॉइंटमेंट के बारे में CJI के, और आर्टिकल 124 के चौथे सब क्लॉज में आपको इसका रिमूवल के बारे में दिया गया है, और सैलरी अगर आपसे पूछे तो सैलरी जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 2,80,000 होता है,
और फर्स्ट अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपसे पूछे तो कौन थे, तो वो थे एच.जे. कानिया। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर है, निम्नलिखित में से एक कानून महिलाओं के हित में पक्ष में है, तो वो देखिए ये सब सबके नागरिक के पक्ष में है, समान पारिश्रमिक अधिनियम, नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम, और देखिए ये जो शारीरिक व्यापार जो निवारण अधिनियम है ये केवल महिलाओं के लिए हित में है, ठीक है, तो ये ज़्यादा मतलब ये जो है ज़्यादा महिलाओं के हित में है, ठीक है, बाकी ये सब भी हित में है लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये सी ऑप्शन वाला महिलाओं के हित में है। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये किया जाता है तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, और आपका राज्य मतलब ये सेंट्रल का अगर पूछे तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन 59 है, 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से संविधान का वो अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, तो ये भी क्वेश्चन तो 2019 में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चर्चा में है, और हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने बोला है कि अगर थ्री मतलब ऐसा बोला गया कि अमित शाह ने बोला कि 2020 तक इसे हटाया जाएगा अगर भारत भाजपा की सरकार आई तो 370 को, तो महबूबा मुफ्ती ने इस पर विवादित बयान दिया और बोला कि जब इस अगर 370 को हटाया जाएगा तो जम्मू कश्मीर भी भारत का अंग नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये चर्चित क्वेश्चन हो जाता है, तो इससे क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस है, तो ये 370 है, ठीक है, बाकी 368 में आपका दिया हुआ है मतलब ये संविधान में अमेंडमेंट के बारे में दिया हुआ है आपका, और आपका जो 360 में जो है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में दिया हुआ है, और 370 आपको पता ही है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये वो थी वसुंधरा राजे राजस्थान की, बाकी दिल्ली तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में दो मतलब एक से ज़्यादा बार मतलब एक एक से ज़्यादा मुख्यमंत्री जो है महिला बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन आपका 61 है, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति जो है आपका इससे संबंधित है, तो देखिए अगर आपका सहायोग के बारे में अगर पूछे आपसे कि सहायोग किस चीज़ से रिलेटेड है, तो सहायोग जो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 1977 में जो 1975 में इमरजेंसी लगवाया गया था उसको तो उसको इंक्वायरी उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए ये गठित किया गया था सहायोग, जो कि चीफ जस्टिस उस समय थे जेसी शाह, फॉर्मर चीफ जस्टिस उनके अध्यक्षता में ये हुआ था, तो इसलिए इसका नाम सहायोग है। और नानावती आयोग जो है आपका एनडीए गवर्नमेंट उस समय थी 2000 में 2000 ईस्वी में, तो उस समय सन 2000 में तो उस समय जीटी नावती इसका अध्यक्षता कर रही थी, इसलिए नावती आयोग है। इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो मतलब सिख 1984 के दंगे के समय जो एंटी सिख राइट्स हुआ था उस समय के इन्वेस्टिगेशन के लिए ये आयोग का गठन किया गया था, और बलवंत राय मेहता समिति का 1957 में 3 टीयर मतलब ये देखने के लिए कि पंचायती पंचायत की व्यवस्था कैसे कैसे की जा सकती है, तो बलवंत राय मेहता समिति का जो सिफारिश मतलब ये था कि 3 टीयर पंचायत सिस्टम लागू किया जाए इंडिया में, और उसी के तहत 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है वहाँ पे पहली बार चुनाव कराया गया था। और लिब्राहन आयोग जो है आपका बाबरी मस्जिद के डिस्ट्रक्शन को मतलब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन 62 है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, तो इसका आशय जो है आपका ये स्थानीय सरकार से है, यही पंचायती राज वाले से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पहला राज्य है जिसमें क्या हुआ था, तो जिसमें स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट से, तो 1957 देखिए अब पंचायती राज के बारे में कुछ जान लेते हैं कि पंचायती राज का अगर आपसे
मतलब दाता पूछे कि उसका पिता किसको मानते हैं पंचायती राज के, तो लॉर्ड रिपन को मानते हैं। और आपका 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आए थे, उनका सिफारिश था कि 3 टीयर पंचायती राज होना चाहिए, एक तो ग्राम पंचायत होना चाहिए, एक पंचायती पंचायत समिति होना चाहिए और एक जिला परिषद होना चाहिए। फिर 1959 में इसी के तहत आपको 2 अक्टूबर को 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था, और बाद में दूसरे के नंबर पे आंध्र प्रदेश में मतलब चुनाव कराया गया था। और 1977 में फिर अशोक मेहता समिति आए, वो मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा, 1959 का जो चुनाव हुआ था वो सब, तो उसी को फिर मतलब उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। उसका सिफारिश था कि इंडिया मतलब इंडिया में 2 टीयर पंचायती राज होना चाहिए, पंचायती पंचायत समिति होना चाहिए, जिसमें मंडल स्तर पे और जिला स्तर पे होना चाहिए। फिर उसके बाद पीबीके राय समिति जो 1985 में गठित किया गया था, उनका सिफारिश था कि 4 टीयर होना चाहिए, जिसमें ग्राम स्तर पे, मंडल स्तर पे, जिला परिषद स्तर पे और राज्य विकास मतलब राज्य के स्तर पे होना चाहिए। फिर सिंघवी कमेटी का गठन किया गया 1986 में, और 1988 में थुगन समिति का गठन किया गया। तो अगर आपसे इनमें से कोई भी समिति पूछता है तो ये सब पंचायती राज से संबंधित है। और 73वें अमेंडमेंट में 1993 में किया गया, जिसके तहत आपका 11वें शेड्यूल में इसको जोड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 64 है। निम्नलिखित राज्य में से कौन सा एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश 1956। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हो गया है, तो इस बार भी रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद मतलब कितने वर्षों बाद की जाती है? तो 5 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर है, योजना आयोग स्थापित किए जाने का वर्ष कब था? तो ये था आपका 1950, और 1 जनवरी 2015 से इसका नाम जो चेंज करके कर दिया गया है नीति आयोग। अगर आपसे पूछे कि इसका चेयरमैन कौन है, तो नरेंद्र मोदी है, और इसके वाइस मतलब चेयरमैन है आपके राजीव कुमार, और आपसे अगर पूछे इसका सीईओ तो अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने का अधिकार है इसका ऑप्शन। धर्म निरपेक्ष शब्द का भारत के संविधान की उद्देश्य का मतलब प्रियम्बल का एक भाग कब से है? तो 42वें संविधान संशोधन के बाद से है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 1960 मतलब 1956 मतलब 1976 में ये हुआ था। और तभी से मतलब उसी समय ये सेकुलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी ये जोड़ा गया है प्रियम्बल में। उसके बाद 10 मौलिक कर्तव्य जो 51 क में है, ये भी 42वें अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया था, और इसी को हम 42वें अमेंडमेंट को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 69 है, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था कब? तो 26 नवंबर 1949 को, और लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे अस्थाई, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा सर्व भाषा मतलब क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया? तो तमिल को। अगला क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार की विशेषता है ये। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये देखिए सॉरी, इसका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला केस जो है वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर है, 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने किस से संबंधित है? तो ये वो आपका 39 है। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर है, 75 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो, तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा ये किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति के आंतरिक
अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, तो 1975 में, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितने आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो 35 वर्ष। तो देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए अगर लोकसभा जो है तो वो तो निम्न स्तर का है, या राज्यसभा भी निम्न, मतलब सॉरी ये विधानसभा भी आपका निम्न स्तर का है, तो इसका बनने के लिए आपको एमएलए या एमपी बनने के लिए आपको 25 वर्ष चाहिए। उच्च सदन है आपका राज्यसभा, तो उसमें आपका अगर सदस्य बनना है तो आपको 30 होना चाहिए, 5 साल ज़्यादा, और उसका हेड अगर आपको बनना है, जैसे राष्ट्रपति हेड होता है आपका पूरे संसद का, लोकसभा या राज्यसभा का, और राज्यसभा का हेड होता है आपका उपराष्ट्रपति, तो अगर हेड बनना है आपको तो 5 साल और चाहिए, तो 30 प्लस 5 35 वर्ष होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है, तो देखिए लोक लेखा समिति है, प्रकालन समिति भी है, लोक उपक्रम समिति भी है, लेकिन वित्त मंत्रालय की परामर्श दात्री समिति जो है वो नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एटी क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है, तो देखिए ये बर्खास्त करना नहीं है, बाकी स्थगन भंग और अमुक ये सब है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय को हम शून्यकाल के नाम से जानते हैं। 82 है, संसद और संविधान साधन नहीं है, तो वो विधिक न्याय का साधन नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन, सर्व सत्ताम समपन संसद की अवधारणा कहाँ से ली गई, कहाँ किसकी देन है, तो ये इंग्लैंड की देन है। 84 नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, तो ये आपका केरला के हाई कोर्ट ने किया था ये। 85 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो ये 15 है, इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है, तो देखिए ये 500 है, और आपसे अगर पूछे मिनिमम तो मिनिमम होना चाहिए 60, लेकिन कुछ अपवाद हैं जहाँ पे मतलब आपका पॉपुलेशन कम है वहाँ वहाँ पे, तो गोवा, गोवा में आपका 40 सीट है जबकि होना चाहिए 60, सिक्किम 32 सीट है, मिजोरम 40 सीट है, पुडुचेरी 30 सीट है, ठीक है, और पुडुचेरी और दिल्ली में एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे आपका विधान परिषद है, विधानसभा का चुनाव होता है वहाँ पे, ठीक है, और पवन चामलिंग सबसे ज़्यादा दिन तक सीएम रहने का उनको रहे हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ठीक है, तो योजना बोर्ड के रूप में आपका राज्य के योजना बोर्ड के रूप में मुख्यमंत्री काम करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थाई संस्था कौन सी है, तो ये वो परिवार है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है, तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, तो देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कराता है ये, लोकसभा का चुनाव कराता है या आम चुनाव कराता है, ना कि प्रधानमंत्री का चुनाव, तो ये उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ही कराता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना ये भी उसके काम है, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना ये भी उसी का काम है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है, किसी राजनीतिक दल की पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत होने चाहिए, तो 6% मत होने चाहिए। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीत जारी की जाती है, तो दोषपूर्ण
पुलिस नज़रबंदी के समय। अगला क्वेश्चन 93 नंबर है, 93 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, तो 6 महीने के लिए। ये अध्यादेश जो है, कभी मान लेते हैं कि 17 साल में 3 सत्र चलने चाहिए, लेकिन अगर 3 सत्र चलने के मतलब पहले ही अगर मतलब कोई सत्र चालू होने से पहले ही अगर कोई मतलब लॉ लागू करना हो या कोई अध्यादेश ला मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अध्यादेश लाया जाता है, तो वो अध्यादेश जो है 6 महीने के लिए कार्य अवधि मतलब 6 महीने के लिए ये लागू रहता है। अगला क्वेश्चन 94 है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है। तो इसमें गलती मत कीजिएगा कि राष्ट्रपति को, ये उपाध्यक्ष को ही देता है, ठीक है। अभी सुमित्रा महाजन इस अभी हैं लोकसभा स्पीकर। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधि नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका शून्यकाल जो है ये नहीं आता है, बाकी बजट सत्र, स्थगन प्रस्ताव, किसी विधेयक का निरूपण, ये भी आता है सब। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये दो रूप हैं आपका। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 नंबर, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की, तो ये गोलकनाथ का मामला जब जो आया था उस पर। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर है, 98 नंबर है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये है भारत, ये एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, ये भी होना चाहिए, और एक प्रतिष्ठित विधिवेता होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन जो है, आयु कम से कम 35 वर्ष होने चाहिए, ये कहीं भी नहीं लिखा गया है, आयु कितना भी हो सकता है। अगर ये अर्हता जो है अगर पूरा कर लेता है, मतलब 25 वर्ष में भी, या मतलब मान लेता है कि सॉरी 29 वर्ष 30 वर्ष में भी, तब भी हो सकता है, तो इसमें कोई मिनिमम एज नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस मतलब किस में दिया हुआ है, तो ये आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो देखिए, प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा ये भी है, और भारत वन सेवा ये भी है, लेकिन भारतीय विदेश सेवा नहीं है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे।